हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में होता है और एसक्यूएल में हम रिलेशनल डेटाबेस को यूज करते हैं। तो टेबल क्या होता है, टेबल को समझते हैं। टेबल आपके पास ये एक स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है जिसमें रोल नंबर, नेम्स, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी है और हर स्पेसिफिक हेडिंग के नीचे स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो दिया गया है। अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं, जैसे ये रोल नंबर वाला कॉलम 1 हो गया, नेम वाला कॉलम 2, क्लास कॉलम 3, कॉलम 4 डेट ऑफ बर्थ का, कॉलम 5 हमारे पास हो गया जेंडर का और कॉलम 6 जो है वो हमारे पास सिटीज का हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूं तो इस तरीके से हमारे पास जो है हर स्टूडेंट का डेटा जो है दिया गया है हर स्पेसिफिक हेडिंग से रिलेटेड। तो ये हमारी बन जाएगी रो 1, ये हो जाए रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। अब ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। रो और कॉलम में क्या डिफरेंस होता है, आपके पास कॉलम्स जो होते हैं वो आपको स्ट्रक्चर देते हैं, स्ट्रक्चर मीन वो आपको डिजाइन देते हैं कि इसमें आपके पास कौन सा डेटा मौजूद है, और रो में आपके पास इंडिविजुअल डेटा होता है, इंडिविजुअल डेटा। कॉलम्स में हमारे पास ऊपर से नीचे जस्ट एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट डेटा है, यानी कि रोल नंबर है तो इस कॉलम में जस्ट आपके पास स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं। अगर आप कॉलम 2 में चले जाएं तो नेम्स है, तो नेम्स में आपके पास जस्ट स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, और क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और सिटी जो आपके पास स्पेसिफिक हेडिंग है उससे रिलेटेड डेटा जो है आपके पास नीचे कॉलम्स में मौजूद है। बट अगर हम मूव करें रो वाइज, तो रो वाइज आपके पास इंडिविजुअल स्टूडेंट का ओवरऑल डेटा मौजूद है कि यहाँ पे रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, नेम क्या है, क्लास क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है इसका, और किस सिटी से बिलोंग करता है। सो आपके पास जो कॉलम्स होते हैं इनको स्ट्रक्चर भी कहते हैं, डिजाइन भी कहते हैं, और डेटाबेस की लैंग्वेज में इसको स्कीमा बोलते हैं। जब हम डेटाबेस में स्कीमा की बात करेंगे इट मींस के जो हमारे पास टेबल्स हैं उनमें मौजूद हम कॉलम्स जो हैं उस टेबल के उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात होगी कॉलम और रोज की। कॉलम्स को हम स्कीमा और रोज जो है आपके पास इंडिविजुअल डेटा देती हैं, सो स्कीमा जो होता है वो स्ट्रक्चर और डिजाइन होता है। कॉलम्स और रोज मिलके आपके पास एक डेटा टेबल बना जिसमें हम अपना जो स्पेसिफिक डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं हमारे डेटाबेस।